हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू काजल ब्लॉग्स। अभी रात का 8 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं मेला। दो दिन पहले ही हम और दी कोलकाता पहुंच गए थे और उसी दिन रात को हम लोग मेला जा रहे हैं। जिस दिन हम लोग आए उसी दिन मेला का लास्ट डे था। एक दी तो पहले ही कोलकाता आ चुकी थी, वही बोली आज लास्ट डे है तो एक बार घूम लो। टॉलीगंज में अशोक नगर पार्क है, वहीं मेला लगा है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से हार्डली 5 से 6 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग पहुँच गए और ये वाली दी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है मेला देखने के लिए। हम लोग तो आज आए हैं कोलकाता, लेकिन रीना दी डेली ही मेला घूमने आई है। मतलब 12 दिन मेला लगा है तो वो 12 दिन घूमने आई और कुछ ना कुछ सामान भी खरीदी है। मेला में एंट्री करते ही हम लोग चार्ट पर टूट पड़े। स्टेज भी है। ये किस चीज़ का मेला है? सांस्कृतिक मेला 2023। वहाँ से पढ़ के बताई। हावेवर चाट कुछ खास अच्छा नहीं लगा मुझे, नमक ज़्यादा डाल दिया था। पर रीना दी कंटिन्यूस 7 दिन से यहाँ से चाट खाई है। चाट खाने के बाद हम लोग और भी एक्सप्लोर करने लगे और भी बहुत अच्छा अच्छा सामान है वो सब देखने लगे। चाट खाने के बाद रीना दी जलेबी भी खाने लगी। मैंने भी जलेबी टेस्ट किया, अच्छा था। स्वीट्स, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। जो भी बोलो, कोलकाता का डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग कभी कोलकाता आएंगे ना तो यहाँ का रसगुल्ला और मिष्टी दो ही खाना मत भूलना। चाट खाने के बाद हम लोग और भी एक्सप्लोर करने लगे और भी बहुत अच्छा अच्छा सामान है वो सब देखने लगे। लास्ट मेला मैं गई थी लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी में, उस वक्त मैं अपने होम टाउन में थी। इस साल भी गणेश चतुर्थी आ रहा है तो फिर से मेला लगेगा। यहाँ पर अलग अलग टाइप का सामान मिल रहा था, डेकोरेट करने का सामान, मेकअप करने का सामान, ज्वेलरी, कुर्ती, टॉप, साड़ीज, पेंटिंग्स, किचन का इक्विपमेंट्स, अलग अलग टाइप का अचार, मूर्ति, पूजा करने के लिए पीतल का सामान, कप, मग्स, प्लेट, सब कुछ ही, सब कुछ का शॉप लगा था। प्राइस का बात करूँ तो ठीक है, सही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस है। हम लोग कोलकाता में ही किसी मार्केट से सामान खरीदने जाते हैं तो रेट ज़्यादा रहता है, वही सेम ऑब्जेक्ट का प्राइस यहाँ कम में मिल रहा था। ऐसे घूम घूम कर सारे शॉप को एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है। जब हम लोग छोटे थे ना तो मेला जाने के लिए ओवर एक्साइटेड हो जाते थे। हम लोग जितना जन थे सब ग्रुप में जाते थे। मेला का नाम सुनकर ही बचपन की याद आ जाती है, कैसे हम लोग एक्साइटेड होकर मेला जाते थे। जब भी छोटे टाउन में मेला लगता है तब गांव से बहुत सारे लोग, खासकर की महिलाएं, तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर पैदल ही देखने आती है, चाहे कितना भी दूर लगा हो मेला। और अक्सर बड़ा मेला में कोई ना कोई बच्चा खो जाता है, फिर माइक में अनाउंसमेंट होती है इस बच्चे को ढूंढने के लिए। भारत को पर्वों का देश माना जाता है और मेले इन उत्सवों की रौनक बढ़ा देती है। भारत में मेलों का बहुत बड़ा महत्व है, यही वजह है यहाँ हर समय कहीं ना कहीं मेलों का आयोजन किया जाता है। ये वाली मेले से हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत सामान खरीदा, जैसे कि ईयर रिंग्स, कप, हेयर क्लिप्स, कॉम, मेकअप का सामान और भी कुछ कुछ था जो दी खरीदी थी। अच्छा हुआ हम लोग लास्ट मेला घूम लिए, अच्छा लगा यहाँ आकर। रात का 10 बजे मेला को बंद कर दिया जाता है। अभी 9:30 या 9:40 ऐसा कुछ हो रहा होगा, हम लोग वापस आने लगे। तो मैं यहीं एंड करती हूँ ब्लॉग को। लाइक करना ना भूले, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है hi I am kajal, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।